कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई दूज भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को मनाने के पीछे दो कथाएं हैं, एक है पारंपरिक कथा और दूसरी है लोक कथा। और आज की इस वीडियो में हम भाई दूज को मनाने के पीछे की लोक कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरी कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना कर सकें। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला की दो संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार बेटे ने माँ से कहा कि माँ, बहन से मिले कई वर्ष बीत चुके हैं, मैं जरा जाकर उससे मिलकर आता हूँ। ऐसे में माँ ने कहा कि बेटे, तेरी बहन तो बड़ी रूखी है, वो तो हर पल तेरा मजाक उड़ाती रहती है और तुझे गालियां देती रहती है, बेहतर है कि तू वहां मत जा। मगर बेटे के बहुत कहने पर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन अपने बहन के घर के मार्ग में भाई को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक नदी मिली। नदी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ, तुम्हें मेरे अंदर समाना होगा। ऐसे में भाई ने कहा, हे नदी, मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, एक बार मैं उससे मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे अपने अंदर डुबो लेना। ये सुनकर नदी ने उसे जाने दिया। आगे चलकर उसे एक सांप मिला। सांप ने उससे कहा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एक बार मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। ये सुनकर सांप ने भी उसे जाने दिया। आगे चलकर उसे एक शेर मिला। जैसे ही शेर उस पर हमला करने लगा, भाई ने उसे रोकते हुए कहा कि एक बार मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मेरे प्राण ले लेना। ये सुनकर शेर ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार भाई अपने तीनों कालों का सामना कर अपने बहन के घर सकुशल पहुंचा। भाई अपनी बहन को आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तुझसे मिलने आया हूँ। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है और तभी उसका सूत टूट जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी बहन का सूत टूट जाता है और अगर उसका इकलौता भाई हो तो जब तक उसका सूत जुड़ नहीं जाता उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी बहन जवाब नहीं देती। वहां बाहर इंतजार करता हुआ भाई उसे पुनः आवाज लगाता है, मगर जवाब ना आने पे वे सोचता है कि मेरी बहन मुझ गरीब से बात क्यों करना चाहेगी, माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और ये सोचकर निराश मन से वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बहन का सूत जुड़ जाता है। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है और उसे जवाब ना देने का कारण बताती है। अपने भाई को देखकर बहन बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी सहेली के पास जाती है और उससे पूछती है, सहेली, अगर हमारे घर में कोई जान से भी प्यारा आए तो हमें क्या करना चाहिए? जान से भी प्यारा? ऐसे में तेल से चौका लेपना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। ठीक है। बहन अपने सहेली के किए गए मजाक को समझ नहीं पाती और वो सच में तेल से चौका लेप देती है तथा घी में चावल पकाने लगती है। लेकिन ना तो तेल से लेपा हुआ चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। ऐसे में परेशान होकर वो अपनी दूसरी सहेली के पास जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। उसकी सहेली उसे समझाती है, अरे पगली, तेल से लेपी हुई रसोई कभी नहीं सूखती
और घी में पकाए हुए चावल कभी नहीं पकते। इन दोनों के लिए ही पानी का प्रयोग करो। इसके बाद बहन अपने भाई के लिए बढ़िया सा खाना बनाती है। कुछ दिन ठहरने के बाद भाई बहन से कहता है कि अब उसे घर जाना चाहिए, माँ घर में अकेली है। बहन जल्दी से उठकर भाई के लिए गेहूं के लड्डू तैयार कर देती है और उसे विदा कर देती है। वो कुछ लड्डू अपने बच्चों को भी दे देती है, मगर कुछ समय बाद वो देखती है कि लड्डुओं का रंग हरा पड़ने लग जाता है। तभी उसकी नजर उस चक्की पे पड़ती है जिस पर उसने गेहूं पीसे थे। वो देखती है कि गेहूं के साथ साथ एक सांप भी पिस गया है। वो हैरान और परेशान होकर अपने भाई की खोज में भागती है। उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। भाई, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो लड्डू कहाँ है? बहन भाई को पूरी बात बताती है और फिर लड्डू जमीन में गाड़ देती है। ऐसे में उसने अपनी बहन से कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, लेकिन जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे अपना काल कई रूपों में दिखा और मैंने हर बार यही कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तब मेरे प्राण ले लेना। तभी बहन को प्यास लग जाती है। भाई कहता है तो यहीं रुक, मैं पास की नदी से तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है नहीं, मैं खुद ही पीकर आ जाऊंगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के पास बैठी है। तब बहन ने पूछा कि माँ तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तब माँ ने कहा कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की दाद कर रही हूँ। बहन ने पूछा कि वो भाई कौन है? तब विधाता ने कहा कि वो भाई जिसकी बहन ने उसके प्रेम के कारण एक सांप की हत्या कर दी। बहन समझ गई कि विधाता तो मेरे ही भाई की बात कर रही है। तब उसने विधाता से पूछा कि माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता ने कहा कि यदि उसकी बहन उसे गालियाँ दे और उसका विवाह होने तक उसे सभी आपत्तियों से बचाए रखे तो उसका काल टाला जा सकता है। तब वो भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यही इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शेर के लिए मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध तथा नदी के लिए ओढ़नी ले आई और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर मिलने पर इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, बहन ने शेर के आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया जिससे शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और वो दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उनको सांप मिलता है। इससे पहले कि सांप भाई को डसे, बहन उसके आगे दूध डाल देती है और सांप दूध पीने लगता है। अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित कर देती है जिससे नदी प्रसन्न होकर भाई के प्राण लेने के बजाय उन्हें जाने का रास्ता दे देती है। जैसे ही भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन भाई को गालियां देने लगती है। ये देखकर माँ गुस्से में कहती है कि तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई कहता है माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह का रिश्ता आता है। विवाह निश्चित होने के बाद ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू होती है। रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो वृद्ध महिला के रूप धारण किए विधाता ने पहले ही बताया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वो उन्हें टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती है। इसलिए वो हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। सगाई से विवाह तक बहन हर समय भाई के ही साथ रहती थी। विवाह में बारात की निकासी के समय उसने सबसे कहा कि पहले इसकी नहीं मेरी निकासी करो और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे वाले दरवाजे से ले जाया गया, आगे का द्वार टूट कर गिर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाई है।
इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी और विवाह के बाद जब नवविवाहित दंपति की रात जगती है तब उसने कहा कि पहले मेरी रात जगाओ। सभी अतिथि समझ गए थे कि बहन जरूर अपने भाई की जान बचाने के लिए ही ऐसा बोल रही है। लोगों ने कहा कि कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं सुला दो। रात में नव दंपति के सो जाने के बाद वहां पर एक सांप आता है। बहन उस सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर देती है और अंततः वह निश्चिंत होकर बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोती है। भोर होने पर माँ कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है, तो उसने सोचा कि इसके उठने से पहले मैं सभी अतिथियों को वापस भेज देती हूँ, वरना ये फिर से शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी सुबह उठी तब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने माँ से पूछा कि माँ सारे मेहमान कहाँ हैं? तब माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सभी को विदा कर दिया। बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने कहा जब सभी मेहमान वापस आएंगे तभी मैं विदा होंगी। उसकी माँ ने सभी मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर सात घात थी इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में भी अपनी माता को बताया। ये बात सुनकर माँ और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और माना जाता है कि इसी घटना के बाद से सभी बहनें अपने भाई का तिलक करके भाई दूज मनाती हैं। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इन्फॉर्मेशन से भरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।